Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आप क्या कर रहे हैं। कल तक आप उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे और अब आप मामले को रफा दफा कर रहे हैं। जानते भी हैं वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। तेरे सामने तो उसके माँ बाप आए थे मेरे पास, किस तरह रो रही थी उसकी माँ। अब मुझसे उसके आंसू नहीं देखे गए यार। आपने तो उस औरत के आंसू को गारंटी बना लिया। याद नहीं है कैसे धोखा दिया था उसने आपको? अपने बाप के साथ आया था वो और फिर भी हमला किया उसने मुझ पर। अच्छा छड़ जाने भी दे, हो जाता कभी एक बार इस तरह। मट्टी पा, ये ले मोबाइल और जो भी बात करनी है ना मेरे सामने कर, वो भी लाउड स्पीकर ऑन करके। हेलो 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 फराज, मैं मेहरू बात कर रही हूँ। मेहरू भाई, तुम दोनों मियाँ बीवी तो बड़े ही बेवफा निकले। शादी के फौरन बाद नंबर बंद कर दिया और आज इतने दिनों के बाद कॉल किए तो वो भी नए नंबर से। खैर मेरे लिए इतना ही बहुत है कि तुमने कॉल की, लेकिन मैं तारिक से कभी भी बात नहीं करूंगा। हम यहाँ सब दोस्त तुम दोनों की फिक्र में थे कि ना जाने घर में क्या हंगामा हुआ होगा। तुम्हें तारिक की बीवी एक्सेप्ट भी किया होगा या नहीं? शादी के बाद कोई ऐसे भी भूलता है दोस्तों को? अपने शौहर से एक बात जरूर कह देना, फराज मरता मर जाएगा लेकिन उससे बात नहीं करेगा। तुम अब तारिक से कभी भी बात नहीं कर सकोगे क्योंकि तारिक मुझे छोड़कर चला गया है। होश में तो हो तुम मेरू? हाँ मैं होश में हूँ, तारिक की डेथ हो गई है। What? ये क्या कह रही हो तुम? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं वहां आता हूँ सबसे बात करता हूँ। बल्कि मैं अकेला नहीं, सब दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। नहीं फराज, किसी को साथ मत लेकर आना, सिर्फ तुम अकेले आ जाओ, किसी को साथ लाने की जरूरत नहीं। तुम खामखा जज्बाती हो रही थी आसमा। अरे खुदा का शुक्र अदा करो कि आफताब भाई वक्कास को रिहा कराने के लिए रजामंद हो गए। और तुम वहां पे जिद कर रही थी कि मैंने बेटी को देखना है। आसमा मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ, अगर तुम इसी तरह रोती रही तो एक ना एक दिन घर वालों को इस बात का शक हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली है। अरे मैं तुमको इसलिए समझाता हूँ कि कहीं इमोशनल होकर तुम सोनिया का जिक्र इस घर में ना कर बैठो, नहीं तो अब्बा जी हमको उस मोड़ पे ला के खड़ा कर देंगे जो आज से 20 साल पहले थे। 20 साल जिस तरह मैंने अपनी बेटी से दूर रहकर गुजारा है, ये दर्द मैं ही जान सकती हूँ। जो ममता की तड़प मैंने महसूस की है वो एक माँ ही समझ सकती है, आप नहीं समझ सकते। और आज आज जब इतने अरसे के बाद मुझे अपनी बेटी से मिलने का मौका मिला है तो आप उसे फिर मुझसे जुदा करने की कोशिश में लगे हुए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस किस्म के बाप हैं आप। हाँ तुम तो यही समझती हो कि मैं जालिम हूँ, लेकिन याद रखो कि उस वक्त भी मैंने तुमको मशवरा दिया था कि अपनी बेटी आफताब भाई के हवाले कर दो, वरना वो आज जिंदा कहाँ होती। याल्ला क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे सबर को क्यों आजमाया जा रहा है, क्या करूं? साइन करो उसमें। क्या है ये? इसमें लिखा है कि तुमने मेरे ऊपर जो हमला किया था ना
वो नादानी और बेवकूफी में आकर किया था। तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा खैरियत से घर वापस आ गया। अरे रानो, रानो जल्दी से सदके की चीजें लेकर आओ। ये सदका। और रहने दे अम्मा, मैं कौन सी जंग जीत के आ गया हूं, और इन पैसों से सदका देना है ना तो मेरी जान की बजाय मेरी इज्जत का दे, जिसका अब्बा जी ने हवालात में जनाजा निकाल दिया। और बस करो बकास, बजाय अपनी गलती पे शर्मिंदा होने के तुम बदतमीजी पे उतर आए हो। उस दो कौड़ी के नूर जमान के सामने एक पल में मुझे दो टके का कर दिया। अगर आप लोगों को लगता है ना कि उस कागज के टुकड़े पर साइन करने से मैं अपने भाई की मौत का बदला भूल जाऊंगा तो भूल है आप लोगों की। बस इसके अलावा आगे एक लफ्ज नहीं। अरे हमारी जिंदगी में और भी मसले बहुत हैं, सिर्फ तारीख ही नहीं है। और खबरदार, जो आइंदा कभी किसी ने नूर जमान का इस घर में नाम लिया और कोई भी बदले की बात की। अरे अल्लाह, इसको सब बात तो सुन, इधर तो आ। कहाँ जा रहा है यार? और तूने ही बिगाड़ा इसको। ओए बाबा, मैं क्या करूँ, इसकी शौकिया ही नहीं खत्म होती। अच्छा चले बस कर। इस इलाके में मेरी हुकूमत है और इस इलाके के लोगों की तकदीर भी मैं ही लिखता हूँ। मलिक नूर जमान नाम है मेरा, किसी को भी कदमों के नीचे ढेर कर दे तो याद रखना। भाई के गम में और बदले की आग में आप तो अपने इस रानों को भूल ही गए। आगे मत सोचो, इससे पहले कि मैं अपने होश खो दूं, दफा हो जाओ यहां से। मैं तो बस आपको कुछ बताने आई थी। रुको, वो मेहरू के बारे में। कुछ आगे भी बकोगी या यही कहती रहोगी? मेहरू साची में छोटे सरदार की बीवी और आपकी पापी है। मैं भी एक औरत हूं और एक औरत होने के नाते इतना जान सकती हूँ कि कौन कितना गलत है। छोटे सरदार की मौत किसी कयामत से कम नहीं जो हम पे हादसे की सूरत में टूटी है, लेकिन मेहरू छोटे सरदार की बीवी है और इस हवेली की इज्जत। ये बात किसी और से तो नहीं की? तारिक के हादसे के बाद वकास बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। हाँ तुम ठीक कहती हो, सब ने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें भाईजान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वकास को रिहा करवाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया है और साथ साथ अब्बा जी और अम्मा जी के सामने हमारी इज्जत भी रख ली है। मैं सब समझता हूँ आसमा, तुम उस घर में जाने के लिए बार बार बहाने ढूंढ रही हो, लेकिन याद रखना एक दिन तुम बहुत पछताओगी, तब जब अब्बा जी को सारी हकीकत का पता चल गया। ठीक है, अगर आपको एतराज है और आप बात नहीं करना चाहते तो मत करें, मैं खुद अब्बा जी से बात कर लूंगी, अब मुझे किसी का डर नहीं है। ये सारी बातें तुम किसके कहने पे कह रही हो? उसके कहने पे जिसने तुम्हें बहन मानने से इनकार कर दिया। उसने साफ कहा तुमको कि आइंदा मेरे से कोई रिश्ता रखने की उम्मीद मत करना। चाची जी बैठो बैठो, बैठो।
माफ करना यार, मैं बगैर पूछे ही आ गया हैं। मामा जी अब क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? और नहीं पुत्र, शर्मिंदा की क्या बात है, मैं तो आप शर्मिंदा होता रहता हूँ। कामकार से फुर्सत ही नहीं मिलती, तुम लोगों के साथ बैठने का भी टाइम नहीं मिलता। वैसे भी तुम लोग दो चार दिन में चले जाना है। चाचा जी सच पूछें तो आपको यहाँ अकेला छोड़ के जाना भी मुझे सही नहीं लग रहा। मैं तुम दोनों को कभी भी अपने आप से जुदा ना होने देता बेटा, लेकिन यहाँ हालात ही ऐसे पैदा हुए हैं कि तुम्हें बाहर भेजने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। चलो अब्बा जी ये मसला खत्म हुआ, खुशी का टाइम शुरू हुआ, शुक्र है वकास घर पे आ गया। तो बात सुन, ये सारी मिठाई ले जा और सबको बांट के आ, जो कम बांट जाए ना तो और ले लेना, लेकिन कोई घर रह ना जाए। जो हुकुम बड़े साहब जी। अरे वाह, ये मिठाइयां किस खुशी में बांटी जा रही है? पुत्र ये सारी मिठाई तेरे रिहा होने की खुशी में है, असी सारे बड़े खुश हैं। वाह, ताकि मैं सारे इलाके में सर उठा के ना चल सकूं, शर्मिंदा हो जाऊं सबके सामने, और या फिर इसलिए कि अगर आज मैं हवालात से बाहर हूं तो उन मलकों के रहमो करम पर। ओए पुत्र, तू हमारे फैसले को क्यों गलत समझता है? तू क्या समझता है हम तेरा बुरा चाहते हैं? ओ वैसे लियाकत, मैं एक बात सोच रहा था, तुम और आसमा दोनों मलिक आफ्ताब की तरफ चले जाओ, मिठाई भी ले जाना, नारे उदा शुक्रिया भी अदा कर देना। वाह अब्बा जी वाह, मैं और आसमा यही सोच रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आपसे पूछे। अब आपने इजाजत दे दी है, बिल्कुल ठीक है, हम उनके यहाँ मिठाई लेकर चले जाएंगे। लियाकत पुत्र जरूर जाना चाहिए, आज असी खुश ने ना ते उना की वजह से, बड़े इज्जत वाले लोग ने सानू बड़ी इज्जत दिती है। हाँ ये बात तो है माँ जी, साढ़े ते बड़ा एहसान किया। भाई तुम दोनों मियां बीवी तो बड़े ही बेवफा निकले, शादी के फौरन बाद नंबर बंद कर दिया और आज इतने दिनों के बाद कॉल किए तो वो भी नए नंबर से। हम यहाँ सब दोस्त तुम दोनों की फिक्र में थे कि ना जाने घर में क्या हंगामा हुआ होगा। तुम्हें तारिक की बीवी एक्सेप्ट भी किया होगा या नहीं? अपने शौहर से एक बात जरूर कह देना, फराज मरता मर जाएगा लेकिन उससे बात नहीं करेगा। तुम अब तारिक से कभी भी बात नहीं कर सकोगे क्योंकि तारिक मुझे छोड़कर चला गया। रानो रानो मेहरू को लाओ। ओए हुण कोई नवा काम करने की जरूरत नहीं, आगे ही बड़ी मुश्किल ना हालात सही हुए ने। पुत्र मैं तो कहती हूँ इस कुड़ी तो जान छुड़ा, ऐसा ना होवे कि ये सानू शर्मिंदा कर देवे। आप फिक्र ना करें दादी जान, इस दफा मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगा, मैंने सारी छानबीन कर ली है, उसके मुताबिक मेहरू बेकसूर है और तारिक की बीवी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि आखिर तुम्हें मेहरू की बेगुनाही का यकीन आ गया। मैं तो पहले दिन से कह रही थी कि मेरू बेगुनाह है, वो झूठ नहीं बोल रही है, सच्ची है वो। ओए शुक्र है वकास, तू ही कोई अकलमंदी का काम कीता है। अब हमें मेहरू को इस घर की बहू तस्लीम कर लेना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि अब वो इस घर की इज्जत है, हमें इस घर में उसके बहू का मकाम देना चाहिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है।